हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं बेटा हमारे 30 डेज चैलेंज में, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीट PYQ, मतलब नीट के लगातार 10 साल में आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमारा डे नंबर 4, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी के उन तमाम क्वेश्चन जो कि लास्ट 10 साल के नीट एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहे दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी। मतलब ये 2023 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का, तो हमने इसको क्या मान लिया बेटा, के मान लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब 2 सेंटीमीटर खींच चुका होगा तो कितना होगा, हाफ ऑफ के एक्स का एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, 2 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया हमारे पास, 2k आ गया। यानी u कितना आ गया बेटा, 2k आ गया। अब जब बोल रहा है कि जब इसको 8 सेंटीमीटर खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, फिर से हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 32k हो जाएगा। इसी को हम लोग 16 × 2k लिख सकते हैं क्या बेटा। अब 2k देखो तो क्या है, u के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 16 × u। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर, यानी दोनों को लोड कैपेसिटी कितना है, 2000 kg, इज मूविंग अप विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन 3000 न्यूटन, ठीक है ना। और द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू लिफ्ट इन वॉट इज कितना होगा, और आपका जी का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 10 m/s² दे रखा है, करेक्ट है क्या। अब देखो बेटा, कोई भी लिफ्ट है यहाँ पे, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लिफ्ट है, करेक्ट है क्या, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है बेटा, एक लिफ्ट है। ऑलराइट, लिफ्ट का वजन कितना है, 2000 kg, कितना है बेटा, 2000 kg, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, 1.5 m/s स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब देखो, कोई भी लिफ्ट होता है ना बेटा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन वगैरह होगा। और उसको, उस मोशन को, यानी ये जो ऊपर जा रहा है उस मोशन को क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है। तो कितने से अपोज कर रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। और इसका वैल्यू जो है वो कितना है बेटा, 3000 न्यूटन। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, 3000 न्यूटन लिख दिया। और साथ साथ यहाँ पे क्या लग रहा होगा बेटा, टोटल मास इंटू ग्रेविटी, टोटल मास कितना है, 2000 × ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 10। तो ये क्या आ गया बेटा, इतना न्यूटन आ गया, ठीक है ना। और इसका स्पीड कितना है, 1.5 m/s। तो मोटर कितना पावर दे रहा होगा, तो पावर कितना होता है बेटा, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो टोटल फोर्स कितना बेटा, 3000, और यहाँ कितना है, 20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 23,000 हो गया टोटल फोर्स इंटू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है बेटा। तो ये कितना है, 1.5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3450, यानी पावर जो डिलीवर होगा कितना होगा, 3450 W होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा सेकेंड है हमारे लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 m एट द रेट ऑफ इतना kg, यानी 15 kg/s टू ऑपरेट अ टर्बाइन, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। देखो बेटा, कोई हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास एक यहाँ पे टर्बाइन है, ठीक है ना। लेट सपोज ये जो पानी है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो वाटर है बेटा, किस हाइट पर है वाटर जो है वो, किस हाइट पे है, 60 m हाई। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ बेटा, एक टर्बाइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बेटा, एक टर्बाइन लगा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्बाइन है, और टर्बाइन कितना परसेंट एनर्जी को लॉस करता है बेटा, 10% एनर्जी को लॉस करता है। तो अब बताओ, यहाँ पे जो पावर इसको डिलीवर मिल रहा होगा, ये जो पावर इनपुट मिल रहा होगा, ठीक है ना, उसमें कितना परसेंट लॉस हो जाएगा, 10% लॉस हो जाएगा। तो मिलेगा हमको कितना बेटा, 90% क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पावर निकालना पड़ेगा बेटा। तो देखो यहाँ ध्यान से कि वाटर जो है बेटा यहाँ पर है, वाटर कहाँ पर है, यहाँ पर, और किस रेट से फ्लो हो रहा है बेटा, 15 kg/s। तो अगर हम यहाँ पावर निकालना चाहें तो पावर बराबर क्या होता है, mgh,
अपॉन टाइम, एम जी एच अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये रेफरेंस लेवल है हमारे लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा बेटा, पानी शुरुआत के दौर में कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर पानी है तो उसका पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच के बराबर, ठीक है ना। और किस रेट से फ्लो कर रहा है बेटा, 15 के जी पर सेकेंड से। तो पावर बराबर कितना होता है बेटा, एम जी एच अपॉन टी। तो बताओ कितना आ जाएगा, एम एम अपॉन टी लिख सकते हैं क्या इसको, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, जी इंटू एच। एम अपॉन टी क्या हो गया, मास फ्लो रेट, यानी किस रेट से फ्लो हो रहा है वो हमारा एम अपॉन टी का वैल्यू देगा। तो एम अपॉन टी का वैल्यू कितना है बेटा, 15 के जी पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 15 के जी पर सेकेंड, जी का वैल्यू कितना है 10, और हाइट का वैल्यू कितना है बेटा 60। तो ये हो गया हमारे पास पावर, क्या हो गया बेटा, ये हमारे लिए क्या हो गया पावर। तो ये कितना आ गया, ये हो गया बेटा 9000 वाट। कितना हो गया, 9000 वाट, यानी पावर ये इनपुट मिला हमको, पावर क्या मिला इनपुट, लेकिन पावर आउटपुट जो हमको यहाँ पे मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए बेटा, 90% कितना मिलना चाहिए पावर, एग्जैक्टली कितना मिलना चाहिए पावर आउटपुट जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए बेटा, 90% किसका, 90% इनपुट पावर का। तो ये हमारे पास इनपुट पावर कितना है 9000, तो 9000 का 90% कुछ इस तरह से निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा बेटा 8100 वाट आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 8.1 किलो वाट बोलते हैं, 8.1 किलो वाट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ फोर्स 20+10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 मीटर। तो बेटा फोर्स बेटा यहाँ देखो तो क्या है बेटा, ध्यान से, फोर्स इज अ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, फोर्स बेटा वेरिएबल है, वेरिएबल किस डायरेक्शन में है बेटा, फोर्स फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में वेरिएबल है। तो एफ वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 20+10y, यानी फोर्स जो बेटा वो वेरिएबल है वाई डायरेक्शन में। तो हमको निकालना है बेटा कि अगर वाई इक्वल टू 0 से और वाई इक्वल टू 1 तक अगर पार्टिकल मूव करता है तो कितना वर्क डन करेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला तब लिखते हैं बेटा जब हमारा फोर्स क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल किस डायरेक्शन में है बेटा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला इतना हो गया, ठीक है ना। तो वर्क डन को इतना लिख सकते हैं बेटा, एफ वाई क्या है हमारे पास, एफ वाई है 20+10y, ठीक है ना, इनटू क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहाँ तक रखेंगे बेटा, कहाँ तक बोला है, वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू 1 तक। तो 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, 20y, और ये आ जाएगा 5y2। और लिमिट लगा देंगे यहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 5। ये हो गया अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, कितना आएगा बेटा 0, क्योंकि इसमें 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 जूल, 25 जूल क्या आ गया बेटा, इसका वर्क डन आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल है बेटा नीट 2018 का, ए बॉडी इनिशियली एट द रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट एच शोन इन द फिगर, ठीक है ना। जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इक्वल टू डी, द हाइट इज इक्वल टू, ये जो हाइट है हमको वही निकालना है बेटा, कितना हाइट से इसको छोड़े ताकि ये वर्टिकल यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर ले बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से कि हमने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन में, आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा सर्कुलर मोशन में, एक कॉन्सेप्ट क्या बेटा पढ़ाया होगा सर ने आप लोगों को, यहाँ पे कोई अगर सर्कल है बेटा, अगर यहाँ पर इसको कितना वेलोसिटी दें ताकि ये वर्टिकल सर्किल को क्या कर पाए बेटा, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए। तो आपको याद होगा बेटा अगर यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, लेट सपोज इसका आर है, तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए बेटा, रूट अंडर 5rg, यही मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि इतना मिनिमम वेलोसिटी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिले ताकि ये वर्टिकल सर्किल को क्या कर जाए बेटा, कंप्लीट कर जाए। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, कम से कम रूट अंडर 5rg होना चाहिए, करेक्ट है क्या। तो अब देखो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे सुनना बेटा, इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर ले, इस पॉइंट पे रूट अंडर
5 RG वैल्यू होना चाहिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ए बी का जो वैल्यू है वही हमारा डायमीटर है, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 2R लिखेंगे, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा D अपॉन 2 हो जाएगा, करेक्ट है क्या? जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ हम लोग D बाई 2 लिखेंगे लास्ट में, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो यहाँ ध्यान से कम यहाँ पे वो वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, इतना वेलोसिटी हमको मिलना चाहिए। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन से ले सकते हैं बेटा, कि मान लेते हैं ये हमारे लिए क्या है बेटा, रेफरेंस लाइन है, ये क्या है हमारे लिए रेफरेंस लाइन है। तो पार्टिकल अभी कितना एच हाइट ऊपर है मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कितना है एच हाइट ऊपर है, तो हम लोग अगर एनर्जी कंजर्वेशन से लिखना चाहेंगे तो अभी इस समय बॉल के पास या फिर बॉडी के पास कौन सा एनर्जी है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब यहाँ पे आ जाएगा बॉटम मोस्ट ए पॉइंट पे आ जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी था सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा mgh, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ m, और वी स्क्वायर क्या लोगे बेटा, वी कितना आना चाहिए बेटा, वी इतना ही आना चाहिए मिनिमम, बोलो हाँ यानी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 RG आ जाएगा, करेक्ट। m से m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m क्या हो गया कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट हो गया, तो h क्या बटा हमारे पास, h बचा 1/2 5 R, इतना बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से 1/2 इंटू 5, R का वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा D/2, कितना लिखेंगे D/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5D/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 5D/4 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग सो दैट द ब्लॉक ट्रैवल एट डिस्टेंस ऑफ 8 meters बिफोर इंस्टेंटेनियस कम टू रेस्ट आफ्टर द ब्लॉक इज रिलीज्ड। जैसे यहाँ पे दे रखा है बेटा K का वैल्यू 160 Nm/m और मास कितना है बेटा मास है 2 kg और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा 0.2, करेक्ट है क्या? तो आओ बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है बेटा, इसको कहाँ तक कंप्रेस करें पूछा है क्वेश्चन बेटा। ये आपका क्या हो गया बेटा मीन पोजीशन, ये आपका क्या हो गया बेटा मीन पोजीशन। लेट सपोज हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक बेटा X1 कंप्रेस करते हैं, कितना कंप्रेस करते हैं बेटा X1, ताकि जब इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं, जैसे यहाँ से इसको रिलीज़ करते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाता है बेटा, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, और यही डिस्टेंस टोटल क्या है बेटा 8 है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना, इसको कितना मान लें बेटा हम लोग X2 मान लें। तो हम लोग कह सकते हैं कि X1 प्लस X2 किसके बराबर होगा बेटा 8 के बराबर होगा। फाइनली कहाँ पहुँच जाता है ब्लॉक, यहाँ पे पहुँच जाता है, करेक्ट है क्या? फाइनली कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। जब यहाँ पे ब्लॉक रहा होगा, जब ब्लॉक यहाँ पे रहा होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुआ होगा, इस समय सर्टन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब ब्लॉक यहाँ पे आ गया होगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा कुछ ना कुछ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वही हमारा किस में लॉस हो गया होगा बेटा, फ्रिक्शनल वर्क डन में लॉस हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ के X1 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ के X2 स्क्वायर, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वही क्या हो गया होगा बेटा, किसके वर्क फॉर्म में चला गया होगा, फ्रिक्शनल वर्क डन के फॉर्म में चला गया होगा, है ना। तो फ्रिक्शनल वर्क डन कितना होगा बेटा म्यू mg X1 प्लस ऑफ X2, टोटल लेंथ कितना है बेटा X1 प्लस X2, यहाँ से यहाँ आया ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब देखो बेटा 1/2 के का वैल्यू कितना है बेटा 160 X1 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ 160 X2 का स्क्वायर म्यू mg इंटू एट क्यों बेटा, क्योंकि X1 प्लस X2 का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेटा 80 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा X1 स्क्वायर माइनस ऑफ X2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं, म्यू का वैल्यू है बेटा 0.2, एम का वैल्यू कितना है 2, जी का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ से कितना आ गया बेटा 8, ठीक है ना। तो 80 से ये दोनों कट गया, तो यहाँ क्या आया बेटा X1 स्क्वायर माइनस ऑफ X2 स्क्वायर, ये कितना आ गया 0.4, ठीक है ना। तो यहाँ से आया बेटा हमारे पास X1 का स्क्वायर माइनस X2 का स्क्वायर कितना आया 0.4। क्या मैं इसी को ऐसा ले सकता हूँ क्या, X1 प्लस ऑफ X2 और यहाँ पे X1 माइनस ऑफ X2 को क्या ले सकता हूँ बेटा 0.4। X1 प्लस X2 का वैल्यू कितना है बेटा 8, तो यहाँ से आ जाएगा X1 माइनस ऑफ X2 0.4/8 विच इज़ इक्वल टू 0.05,
ठीक है ना। तो एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू जो है वो 0.05 आया, और हमारे पास ये इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू कितना है 8, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों को क्या करना है बेटा, बेसिकली हम लोग को यही निकालना है, x1 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ x1 कितना आया बेटा, 8.08 कितना आया, 05 आया। तो x1 यहां से आ जाएगा 4.025, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में गायब हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग रेक्टिलिनियरली विद गिवन बाय v = 25 - 2t + t2, फाइंड द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल बिटवीन टाइम इंटरवल 0 से 1 सेकंड के बीच में। आपको निकालना है पावर, एवरेज पावर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हम लोग वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो कितना है बेटा, 25 - 2t + t2 है। अगर हम वेलोसिटी t = 0 पे निकालें तो कितना आएगा बेटा, 25 m/s। अगर हम वेलोसिटी 1 सेकंड पे निकालें बेटा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 - 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा, 24 m/s। तो अब बताओ ध्यान से कि वर्क डन जो अगर हम लोग निकालेंगे, इसको क्या ले सकते हैं बेटा, वर्क डन को ऐसा ले सकते हैं क्या बेटा, हाफ ऑफ एम वी फाइनल माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। आपको पता होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा, वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ भी हम लोग वर्क डन बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दिए। तो अगर वर्क अगर हमको निकालना है बेटा, तो हाफ ऑफ एम कितना है बेटा, 1 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, t = 1, ये t = 0 जो पॉइंट होगा वो इनिशियल स्टेट होगा, और t = 1 जो होगा वो फाइनल स्टेट होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 का स्क्वायर - ½ m का वैल्यू कितना है, 1, और यहाँ आ जाएगा 24 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, हाफ तो कॉमन आ जाएगा, 25 का स्क्वायर - ½ m² कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये आ गया बेटा आपका वर्क डन, ये कितना आ जाएगा बेटा, वर्क डन। वर्क डन को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 24.5, ये कितना आ गया बेटा, 24.5 जूल आ गया। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर जो आया है बेटा 24/5, और टाइम कितना बेटा, 1 सेकंड। तो पावर भी कितना आ जाएगा, 24.5 वॉट आ जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 degrees विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अ कांस्टेंट पावर 50 W। इफ द कोफिशिएंट ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पावर यूज्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बेटा, एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बनाएं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक छोटा सा क्या आ गया बेटा, डायग्राम आ गया, ऑलराइट। और ये एंगल कितना है हमारे पास, 37। तो अगर कोई भी ब्लॉक जो है बेटा इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, और ये कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है बेटा, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो बेटा और नीचे कौन सा फोर्स लग जाएगा बेटा, एक तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा बेटा, ग्रेविटी लगेगा, और दूसरा लगेगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, फोर्स ऑफ किसकी बात करें बेटा, ग्रेविटी की बात करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, तो कितना आ जाएगा बेटा, mg sin of 37 लगेगा। उसी तरह हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, ये क्या लग जाएगा बेटा, μmg cos of 37। अगर हम पावर ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, तो कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी fg इंटू वेलोसिटी, करेक्ट है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा, फोर्स हमारा ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, है ना। तो डायरेक्शन क्या है बेटा, रिवर्स। तो यहाँ साइन क्या लग जाएगा, साइन यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, एक माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरह हम पावर
पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना लिखेंगे बेटा, माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। आपसे क्या पूछा गया बेटा, पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शनल पावर यूज्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ लिखेंगे पावर अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन टोटल पावर, यानी पावर अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस पावर अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट है क्या? तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा कि माइनस ऑफ एफ जी इंटू वी इंटू क्या लिखेंगे बेटा, वी ये पावर आ गया किसका बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, और यहाँ टोटल पावर आ जाएगा। टोटल पावर कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ जी इंटू वी माइनस ऑफ एफ क्या लिखेंगे बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स का पावर लिखेंगे, है ना। तो वी भी क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ये क्या बचेगा, एफ क्या बचेगा, सिर्फ एफ जी अपॉन एफ जी प्लस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, क्या कट जाएगा, देखो तो यहाँ ध्यान से देखो तो एफ जी का वैल्यू कितना है, एम जी साइन 37, ये लिखेंगे यहाँ पे एम जी साइन ऑफ 37, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एम जी साइन ऑफ 37 प्लस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, म्यू एम जी कॉस ऑफ 37। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ एम जी कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बेटा, बचेगा साइन ऑफ 37 अपॉन साइन ऑफ 37 प्लस ऑफ म्यू कॉस ऑफ 37, ठीक है ना। अब देखो यहाँ साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है बेटा, 3 अपॉन 5, और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 5 प्लस म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है आपके पास 0.25, म्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 0.25 का मतलब हो गया 1/4, यानी 1/4 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो ये 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर देखो 3/4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वाला बेटा, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i + 5j टू 4j + 3k व्हेन द फोर्स ऑफ 4i + 3j न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब देखो बेटा, फोर्स कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन जो हम लोग लिखते हैं बेटा, एफ डॉट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है बेटा, d2 - d1 वैक्टर कुछ इस तरह से लिखते हैं क्या, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फोर्स वैक्टर कितना है बेटा, फोर्स वैक्टर है हमारा 4i + 3j, करेक्ट है क्या बेटा। अब इसको क्या करना बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, यहाँ पे d2 वेक्टर कितना है बेटा हमारे पास, 4i + 3k कुछ इस तरह से है, माइनस ऑफ 2 कितना बेटा, माइनस ऑफ 2i + 5j है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4i + 3j कुछ इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो 4i - 4 ये क्या है, 4i ना, ये हमारे पास क्या है, 4j है बेसिकली, ये हमारे पास क्या है, 4j सॉरी टू यहाँ पे 4j है, 4j माइनस ऑफ 5j, ये कितना आ जाएगा बेटा, -j आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -j, यहाँ +3k एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -+ कितना आ जाएगा बेटा, 2i। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i के साथ 2i आ जाएगा, 8 आ गया, j के साथ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, ये कितना आ जाएगा, माइनस k तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 8 - 3 कितना चला गया बेटा, 5 जूल, 5 जूल इसका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो गया। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ बॉय ऑफ मास 50 kg जंप्स टू अ हाइट ऑफ 0.8 meter फ्रॉम द ग्राउंड, देन द मोमेंटम ट्रांसफर बाय द ग्राउंड टू द बॉय इज, मोमेंटम ट्रांसफर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मास कितना है लड़के का, 50 kg, ऑल राइट, और कितने हाइट से वो जंप कर रहा है, 0.8, तो बताइए उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh होगा। तो मास कितना है हमारे पास बेटा, 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है 10, और हाइट कितना है बेटा, 0.8, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 400 जूल। अब यही पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा,
जब ग्राउंड पे आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का सारा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, बोलो हाँ यानी। अब देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है कितना बेटा 400, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा बेटा जो ग्राउंड में पहुंचेगा उसको मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, याद है क्या फॉर्मूला, पी स्क्वायर अपॉन 2m, बोलो हाँ यानी। यही हमको यहाँ से क्या निकालना है बेटा, पी निकालना है, जो कि क्या करेगा बेटा ट्रांसफ़र करेगा बाय द ग्राउंड टू द बॉय, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 400 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m, कितना है बेटा 50 kg। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 100, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो पी का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर 400 इंटू 100, दैट विल बिकम 200, ठीक है ना। तो मोमेंटम जो हमारा ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 200 kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है बेटा, पार्टिकल ऑफ मास इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर के, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, याद रखना बेटा, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो कि अगर पावर कितना डिलीवर कर रहा है बेटा, के, विच इज कांस्टेंट, पावर क्या है बेटा कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या, पावर हमारा क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, और पावर जो है वो क्या दे रखा है बेटा, के दे रखा है, पावर क्या दे रखा है, के दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं बेटा, क्या अप्लाई हो रहा होगा, लेट सपोज उस फोर्स को हम लोग क्या मान लिए बेटा, एफ मान लिए, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पार्टिकल का मास बेटा कितना है बेटा, एम है, ऑलराइट, यहाँ पे मास मिसिंग है, तो एम मास होगा क्वेश्चन का डिफाइनिंग में, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ अपॉन एम आ गया। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा वी इजक्ल टू यू प्लस ए टी। आप बोल रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल स्पीड कितना है बेटा, इनिशियल स्पीड जीरो है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ अपॉन इंटू टी। अब देखो यहाँ ध्यान से, के हमारा क्या था बेटा, पावर, अब पावर को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो के को एज इट इज़ लिख दिए, और हमारे पास फोर्स तो फोर्स ही है, और वेलोसिटी को क्या लिख दिया बेटा, एफ अपॉन एम इंटू टी। तो अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, क्या के एम अपॉन टी का रूट अंडर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, एफ आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा। तो एफ को क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट अंडर के एम और टी पे पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं क्या, टी पे पावर क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस हाफ लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।